हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 15.2 लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो, यहाँ पे रोम्बस के दो डायगोनल्स रहते हैं, उन दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, हमें उसकी हेल्प से एरिया निकालना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स का प्रोडक्ट मीन्स डायगोनल की जो दो वैल्यू रहेगी ना, दो डायगोनल रहेगी ना, उनका मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, अभी देखो, हाफ इंटू 15 इंटू 24, ये दो डायगोनल है, 15 एंड 24 उनकी मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो, ये 2 एंड 24 मल्टीपल नंबर है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। ओके, अभी जो नंबर्स है उनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। यहाँ पे 15 इंटू 12 ये नंबर्स है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाएगा आंसर। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन की तो उसका फाइनल यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई एरिया ऑफ अ रोम्बस। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे भी हमें रोम्बस के दो डायगोनल जो रहते हैं ना, उनकी लेंथ दी गई है, उसके हेल्प से हमें एरिया निकालना है। इसके पहले एग्जांपल सॉल्व करते टाइम हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई है वो डेसिमल फॉर्म में दी गई है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो देखो, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन लेना है, सो हाफ इंटू 16.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2, ये दोनों डायगोनल्स है, उनका हमने प्रोडक्ट लिया। तो देखो, 14.2 और ये 2, ये दोनों भी नंबर 2 के मल्टीपल नंबर है, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम पहले कर लेते हैं। 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे भी 2 सेवन ज़ा 14, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 वन ज़ा 2। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1 करना है। ओके, तो इसका जो आंसर आता है 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर कैसे आया, देखो, इन दोनों नंबर की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की ना विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो वो आती है 11715 आती है, और उसमें हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ देना होता है। इन दोनों नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन की, इनमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, टोटल 2 डिजिट हो गए। तो आंसर में भी हम ऐसी जगह डेसिमल पॉइंट देंगे उसके राइट साइड में 2 डिजिट आने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे दिया उसके राइट साइड में 1 एंड 5 डिजिट आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसको ही हम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी राइट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज
117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. एग्जाम्पल नंबर 3. इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल्स इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके. अभी देखो इसमें क्या वैल्यूज दी गई है. पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस दिया गया है 100 सेंटीमीटर. डायगोनल्स दी गई है, डायगोनल्स की लेंथ दी गई है 48. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है. उसके लिए हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए होती है. यहाँ पे एक ही डायगोनल्स की लेंथ दी गई है और पेरीमीटर भी दी गई है रोम्बोस की. उस पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस इस वैल्यू की हेल्प से हम अदर डायगोनल्स वैल्यू जो है वो भी निकाल लेंगे वन बाय वन. इसकी स्टेप थोड़ी लेंथी है पर इजी है. ओके. एक बार आपको समझ में आ गई आप इस टाइप का कौन सा भी एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो देखो सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. इस क्वाड्रिलेटरल की जो एसी डायगोनल्स वैल्यू जो है वो दी गई है 48 सेंटीमीटर. हमें बीडी डायगोनल वैल्यू निकालनी है इन दोनों वैल्यू की हेल्प से. बाद में हम एरिया निकालेंगे. अभी यहाँ पे दिया क्या गया है, पेरीमीटर दिया गया है इस रोम्बोस का. पेरीमीटर मीन्स व्हाट. देखो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है सभी साइड की लेंथ की एडिशन वो होती है पेरीमीटर. वो दी गई है 100 सेंटीमीटर. मीन्स व्हाट. एडी प्लस डीसी प्लस सीबी प्लस बीए इन सब की लेंथ की एडिशन कितनी आती है, 100 सेंटीमीटर आती है. पहले हम लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रोम्बस ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स. ए सी एंड बी डी ये दो डायगोनल्स है और वो कहाँ पे मीट होते हैं, एट पॉइंट ई एम पे मीट होते हैं. इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम. देखो ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल है, वो एम पॉइंट पे मीट होती है. पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. देखो पेरीमीटर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 4 वैल्यू है यहाँ पे और साइड वैल्यू हमें निकल आएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता ही है, थोड़ा हम इजीली निकाल सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस कितना दिया गया है, 100. वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो सेंटीमीटर में दी गई है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ओके. अभी देखो हमें साइड निकालनी है तो साइड यहाँ पे ही रहेगी. उसके साथ जो 4 वैल्यू है उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. ये 4 वैल्यू इस साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी. कैसे आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड. ओके. जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमें साइड वैल्यू मिल जाएगी. तो देखो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ार 8. ओके. 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा, 2 रह गए, 2 एंड 0 20 हो गए, 4 5 ज़ार 20. तो साइड कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर. ओके. ये जो साइड है हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ये साइड हमारी ए बी साइड है. ओके. लेंथ ऑफ ए बी है. ओके. ये हमारी, ये जो लेंथ ऑफ ए बी है ये हमारी 25 मिल गई है. ओके. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सभी साइड इस ए बी, ये भी 25 है, बी सी भी 25 है, सी डी भी 25 है और डी ए भी 25 है और सभी की एडिशन 100 है, हमें पता है वो है पेरीमीटर. ओके. तो साइड हमें ए बी 25 मिल गई. देखो ये ए बी साइड 25 मिल गई. अभी हम ये ए एम डायगोनल की हाफ जो है वो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ए सी पता है, उसकी हेल्प से हम ए एम निकाल लेते हैं. ओके. लेंथ ए एम, ए एम की जो लेंथ है वो हाफ है. किसकी हाफ, लेंथ ऑफ ए सी की हाफ है. अभी देखो हाफ इंटू 48. लेंथ ऑफ ए एम मीन्स इस ए सी की ये क्या है, हाफ डायगोनल है. इस हाफ डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी डायगोनल जो है उसकी हाफ वैल्यू हमें लेनी होगी.
इसलिए हमने हाफ लेंथ ऑफ ए सी ऐसा राइट कर लिया। ओके, हाफ इंटू 48 लिया। अभी देखो इस 48 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर वैल्यू है, डिनोमिनेटर वैल्यू है, न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से इजीली डिवाइड हो जाती है, उसको हम कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, कितनी आ गई 24। लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 48 आ गई। सो 24 ये हमारी सेंटीमीटर यूनिट में है, ये 48 मैंने पहले राइट कर लिया था, पर डिवाइड करने के बाद हमारी 24 आई है ना, तो 24 ये आई है ए एम की वैल्यू। मीन्स डायगोनल की हाफ लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। हमें ए बी वैल्यू मिल गई है, 25 सेंटीमीटर आ गई है। हमने ए एम वैल्यू भी निकाल ली, वो हमारी 24 आ गई है। अभी हम बी एम वैल्यू निकाल लेते हैं। बी एम वैल्यू निकाल ली तो उस वैल्यू को डबल करेंगे तो हमें एम डी वैल्यू मीन्स इस पूरे डायगोनल की वैल्यू मिल जाएगी और हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अभी देखो ए एम बी ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल की अगर दो साइड पता है, थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस ट्रायंगल की थर्ड साइड वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस बी एम की वैल्यू निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दोनों डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स एक डायगोनल ऐसा है दूसरा डायगोनल ऐसा है, तो वो दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे मीट होते हैं ना, वहाँ पे परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो ये है परपेंडिकुलर का साइन। ओके, परपेंडिकुलर वर्ड लिखने की जगह आप ऐसा सिंबल भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर का, आया समझ में? तो देयरफॉर मेजर एंगल ए एम बी, ए एम बी जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ए एम स्क्वेयर प्लस लेंथ एम बी स्क्वेयर। ओके, देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए एम बी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं बी एम वैल्यू निकालने के लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इसका स्क्वायर ये दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी कितनी दी गई है साइड, 25 सेंटीमीटर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है हमारी 25, यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ए बी वैल्यू 25 है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लिया। ए एम वैल्यू हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर लेना है प्लस लेंथ ऑफ एम बी निकालना है, वो हमने एज इट इज रखा। ओके, ये वैल्यू निकालने तो इस वैल्यू को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। सो देखो देयरफॉर ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ एम बी स्क्वायर। इक्वल के राइट साइड में यहाँ पे दो वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया। इक्वल के राइट साइड में सिर्फ लेंथ एम बी ही है, इक्वल के राइट हैंड साइड में दो वैल्यू थी, यहाँ पे एक वैल्यू थी हमें मालूम थी, वो उसको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे अभी एम बी वैल्यू ही है। ओके, अभी 25 का स्क्वायर लेंगे, 24 का स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर क्या है, 625, और 24 का स्क्वायर है 576। ओके, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। 625 में से 576 सब्स्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 49 आते हैं। ओके, सो 49 इज इक्वल टू लेंथ एम बी स्क्वेयर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ एम बी इज इक्वल टू 49। लेंथ एम बी स्क्वेयर इसको हमने इस साइड में लिया, इसको हमने इस साइड में सेंड कर दिया। ओके, लेंथ ऑफ एम बी जो है
इस यहाँ पे स्क्वायर है, लेंथ ऑफ एमबी का स्क्वायर है यहाँ पे, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ एमबी ही चाहिए, ये स्क्वायर कट कर देना है। तो इसको हम क्यूब रूट में डाल देंगे, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, इसको डाल देते हैं, तो इस वैल्यू को भी हमें स्क्वायर रूट में डाल देना होगा। ओके तो देखो इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, लेंथ ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया, इसको भी स्क्वायर रूट में डाल दिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। तो लेंथ एम बी ही रहेगी, लेंथ एम बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, मीन्स 49 कौन सी नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या आ जाएगा, 7। ओके तो यहाँ पे 7 आ गई, मीन्स लेंथ एम बी क्या मिल गया हमें, 7, लेंथ ऑफ एम बी इज इक्वल टू 7 आई है। अभी हम रोम्बस देख लेते हैं, ये वैल्यू एम बी ये आई है हमारी 7, ये हमारी 25 मिल गई थी और ये हमारी 24 है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड की लेंथ हमें पता चल गई है। अभी हमें एरिया निकालना था इस रोम्बस का, इस रोम्बस की हमें ए सी डायगोनल पता है, हमें बी डी डायगोनल निकालनी थी, पर बी डी डायगोनल की हाफ डायगोनल की वैल्यू हमें मिल गई है, हम इजीली बी डी डायगोनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो अगर हम ऐसा लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी, तो सही रहेगा। लेंथ ऑफ एम बी किसके इक्वल रहेगी, हाफ लेंथ ऑफ बी डी रहेगी। तो इसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे और यहाँ पे हमें बी डी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी। ओके तो ये हाफ ये लेंथ बी डी हमें निकालनी है, लेंथ एम बी हमें पता है ये 7 आ गई है हमारी, यहाँ पे ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो रहते हैं रोम्बस के वह बाइसेक्ट होते हैं, तभी तो हम ये बता पाते हैं कि लेंथ ऑफ एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी। ओके इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अभी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, लेंथ ऑफ बी डी निकालनी है, ये हाफ वैल्यू हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, हाफ वैल्यू मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 जो है यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में, वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 इंटू लेंथ ऑफ बी डी मीन्स लेंथ ऑफ बी डी जो रहेगी उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो लेंथ ऑफ बी डी ही रहेगी। ओके तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ बी डी आ जाएगा, 7 × 2 = 14, तो 14 ये वैल्यू किसकी आ गई, लेंथ ऑफ बी डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर फोर लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके अभी देखो क्वेश्चन में हमें एक डायगोनल वैल्यू दी गई थी, दूसरी डायगोनल वैल्यू भी हमें मिल गई है, हमने कैलकुलेट कर ली 14 सेंटीमीटर आ गई है। अभी हम रोम्बोस का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रोम्बोस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इंटू डायगोनल कौन से है, 48 है क्वेश्चन में दी गई वैल्यू, और दूसरी डायगोनल वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई है। 2 के साथ 48 को डिवाइड करो या 2 के साथ 14 को डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो हम 48 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो यहाँ पे 24 × 14 करेंगे ना, 24 × 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ रोम्बस। तो 24 × 14 की मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आता है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके
तो ये आ गई एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो हम फाइनल आंसर में राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर नंबर एग्जांपल है इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी हमें रोम्बस की डायगोनल वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर मीन्स क्या रहती है, दी गई फिगर की जो सभी साइड है ना वो सभी साइड की लेंथ की एडिशन रहती है। सो देखो हमें डायगोनल वैल्यू की हेल्प से हमें साइड वैल्यू भी निकाल लेनी है। लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी गिवन रोम्बस एसी एंड बीडी आर टू डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एम पॉइंट पे। ओके अभी हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर और बीडी जो डायगोनल है उस डायगोनल की डायगोनल वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। ओके अभी हम एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके एरिया ऑफ रोम्बस वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू भी है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है, दो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो दो डायगोनल में से एक डायगोनल वैल्यू हमें पता है, दूसरी डायगोनल वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी इंटू लेंथ ऑफ ए सी। ये दोनों डायगोनल है, उनका प्रोडक्ट लिया हाफ, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी। ओके एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई है, हमें दी गई है 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी जो है 30 इंटू लेंथ ऑफ ए सी निकालनी है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो देखो ए सी वैल्यू निकालनी है, 30 को इस साइड में भेजना होगा और ये 2 जो है उसको भी हमें इस साइड में भेजना होगा। तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड है ए सी के साथ, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 30 ओके इज इक्वल टू हमें ए सी वैल्यू मिल जाएगी लेंथ ऑफ ए सी। तो देखो 2 और 30 ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 2 2 1 2 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 0 10 हो गए, 2 5 are 10। अभी हम 240 को 15 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए सी मिल जाएगी हमें। 15 1 are 15 यहाँ पे भी 15 1 are 15 ही आएगा, क्योंकि 15 to 30 आता है वो 24 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 15 1 are 15 ही लिया। तो 24 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 9 रह गए, 9 and 0 90 हो गए, 15 6 are 90 ओके। तो यहाँ पे 16 वैल्यू आ गई। तो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ओके। अभी हमें ये सेकंड डायगोनल वैल्यू मिल गई, फर्स्ट डायगोनल वैल्यू ऑलरेडी दी थी, अभी हम दोनों डायगोनल वैल्यू की हाफ डायगोनल वैल्यू कितनी आ जाती है वो निकालेंगे, क्योंकि वो हमारे ट्रायंगल की फर्स्ट ट्रायंगल की टू साइड से, तो उनकी हेल्प से हम
उसी ट्रायंगल की थर्ड वन साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इसलिए हमें दी गई कंप्लीट डायगोनल की हाफ डायगोनल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे पी एम वैल्यू निकालनी है। सो देयर फोर लेंथ ऑफ बी एम, लेंथ ऑफ बी एम निकालनी है, वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी रहेगी। ओके, और सेकेंड जो डायगोनल है उसकी हाफ डायगोनल हमें निकालनी है, वो है हमारी लेंथ ऑफ ए एम, ये कितनी आएगी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए सी। ओके, ए सी डायगोनल के हाफ रहेगी। तो देखो लेंथ ऑफ बी एम निकालनी है, लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू हाफ इन टू लेंथ ऑफ बी डी कितनी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 लिया, तो ये 32 से डिवाइड हो जाता है, उसको हम कर लेते हैं 2 1 2 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 10, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गई। अभी हमें लेंथ ऑफ ए एम निकालनी है, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ इन टू लेंथ ऑफ ए सी, कितनी आई है हमारी, 16 सेंटीमीटर आई है। ओके, तो देखो 2 1 2 2 8 16, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए एम 8 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ पे 1 × 8, देखो ये 1 और 8 1 8 जा तो क्या आता है, 8 ही आता है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये आ गई लेंथ ऑफ ए एम। Therefore, length of AM is equal to 8 centimeter. अभी हमें ये triangle की दो साइड मिल गई, इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकालेंगे। Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Therefore, मेजर एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 degree। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम स्क्वेयर प्लस लेंथ ऑफ एम बी स्क्वेयर। ओके, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर हमें निकालनी है, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, दी गई डायगोनल की हाफ डायगोनल वैल्यू है जो हमने ऊपर निकाली। तो ए एम वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8 और उसका स्क्वेयर लेना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर दिया है। एम बी कितनी है, एम बी मीन्स बी एम वैल्यू है। ओके, ये हमने 50 सेंटीमीटर निकाली, 15 का हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 15 का स्क्वायर 225। ओके, अभी देखो 4 + 5 9 हो गए, 6 + 2 8 हो गए और ये 2 एज इट इज़ 289, ये आ गई लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर। ओके, अभी देखो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर दिया है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ ए बी ही निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड ये स्टेप ले लेते हैं क्योंकि ये 2 कट हो जाएगा। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 289। तो देखो ये 2 इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ ए बी ही रहेगी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 289। ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 289 कौन सी नंबर का स्क्वेयर आता है वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होती है, वही रहती है स्क्वेयर रूट ऑफ 289। अभी देखो 289 ये 17 का स्क्वेयर आता है, तो यहाँ पे हम 17 लिखेंगे, तो 17 क्या हो गया, स्क्वेयर रूट ऑफ 289 है। ओके, ये सेंटीमीटर में है। अभी देखो साइड हमें मिल गई, ये ए बी क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल की, उस रोम्बस की एक साइड है,
तो साइड हमें मिल गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अभी हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड हमारी आई है 17, 4 इंटू 17 तो 4 7 28, 28 का 8 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 4 1 4, 4 + 2 6, 68 सेंटीमीटर, ये आ गई पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।